नमस्कार एनएस गुजरात न्यूज में आपनो स्वागत है અને હું છું ચારમી તો નજર નાખી હાલના મુખ્ય સમાચાર પર બગસરા પાસેના હાલરિયા તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છેલ્લા 40 દિવસથી ચાલુ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન વરસાદ ન થતા વાવેતર સદંતર નિષ્ફળ ગયેલ છે ત્યારે હાલ ખેડૂતોએ મામલતદારને આવેદનપત્ર આપીને સહાયકની માંગણી કરી છે। अमरेली जिला बगसरा तालुकाना हालरिया अने हुलरिया सहित आसपासना ग्राम्य विस्तारोमां छेल्ला 40 दिवसथी चालू चोमासानी ऋतु दरमियान वरसाद न थता खेडूतोए करेल वावेतर सदंतर निष्फळ गयुं छे त्यारे खेडूतोए बगसरा इंचार्ज मामलतदार प्रशांत भाडू साहेब अने बगसरा तालुका विकास अधिकारीने आवेदनपत्र अने आ अंगेनी वधु माहिती खेडूत बकुलभाई मधुभाई कोराटे वधुमां जणाव्युं। हाल खेडूतोए जणाव्या अनुसार सरकारना नियम मुजब पाक वीमो पण भरपाई करी आपेल छे અને અમારા વિસ્તારમાં છેલ્લા 40 દિવસથી વરસાદ ન થવાને કારણે અમારો પાક વાવેતર હાલ સુકાઈને સદંતર નિષ્ફળ ગયેલ છે ત્યારે અમારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ અને અમારી ખેતીની જમીનમાંથી ઉપજ લઈને કરતા હોય જેથી આ ઉપજના કારણે અમારી આર્થિક તેમજ સામાજિક જવાબદારી નિભાવી નહીં શકતા હોય તેવું અશ્વિનભાઈ કોરાટે વધુમાં જણાવ્યું હતું। मारू नाम बकुलभाई मधुभाई कोराट हूँ गाम हालरिया बगसरा तालुका रहवासी छू। मारी जोड़े हालरिया तथा हुलरिया गामना 200 जेटला खेडूतो मारी साथे आवेला छे अने अमारो मुख्य मुद्दो छे के जे अमे खरीफ पाकनुं वावेतर कर्युं छे कपास मगफळी तल जुवार वगैरह वात करूँ पण 40 दिवस कुदरत पण कोपायमान थयो छे ने एक छाटो पण वरसाद नथी अने जे खेडूतोनुं बियारण तो नाश थयुं छे पण आखा वर्षनो सामाजिक तथा आर्थिक व्यवहार कई रीते तो आवता पाक कई रीते वावो तो सरकार ने अमारी ई विनंती है कि आवता पाक में बियारण नाश पाम्युं छे खातर भी वेड़फाई गयुं छे तो आवतो पाक खेडूतो कई रीते वावो ई मूंझवण में छे तो सरकार ने रजूआत करी के खेडूतोने बियारणनी सहाय करे अने खेडूतोने सहाय जे करवानी करे अने जो खेडूतोने सहाय नहीं करे सरकार तो अमारे गांधी सीधा मार्गे आंदोलन करवानी मजबूर थवुं पड़शे। तो छो मारुं नाम अश्विनभाई कोराट छे। अमे हालरिया अने हुलरिया बे गामना अंदाजी तो 250 खेडूतो अत्यारे आवेला छे। ચોમાસાની सीजन हाली रही छे जे 40 दिवस पहला जे वावणी थई हती अने खेडूतोए कपास मगफळी अने पशुपालन माटे जे घासचारोनुं वावेतर करेलुं हतुं छेल्ला 40 થી 42 दिवस थया संपूर्णपणे वरसाद नथी कुदरत रूठ्यो छे त्यारे पाक निष्फळ जई रह्यो छे त्यारे सरकारश्रीने अमे विनंती करीए छे के अमने योग्य वळतर आपे अने सर्वे करे। खेडूतोए खातर बियारणनी लोन लीधी है वीमाना प्रीमियम पण कपाया है तो तात्कालिक धारा धोरण मुजब आनी सर्वे करी अने खेडूतोने तात्कालिक धोरणे सहाय आपे पशुपालन माटे घासचारो पूरो पाड़े तेमज खेडूतो माटे अत्यारे कुदरत उठ्यो छे त्यारे तमाम प्रकारनी पीवाना पाणीनी व्यवस्थाथी लई अने खेतीने लगती तमामे तमाम सुविधाओ माटे सरकार जवाबदार छे तो अमे सरकारश्रीने रजूआत करीए छीए। इम्तियाज सैयद साथे अशोक मणवर एनएस गुजरात न्यूज अमरेली। चलाराम सत्संग मंडल तेमज समस्त हरि परिवार द्वारा श्रीमद भागवत सप्ताह तेमज गुरु पूर्णिमा महोत्सवनुं आयोजन करायुं। आ तके कथानुं श्रवण तेमज गुरु पूजन करवा माटे बहोळी संख्यामां हरिभक्तोनो मानव मेहरामण उमटी पड्यो। जसदणनी पटेली स्ट्रीटमां आवेल जलाराम मंदिरनी हरिराम बापा सत्संग हॉल खाते श्रीमद भागवत सप्ताह तेमज गुरु पूर्णिमा महोत्सवनुं आयोजन करायुं। पोथी यात्रा ऋषि प्रागट्य वामन प्रागट्य रामचंद्रजी प्रागट्य कृष्ण जन्मोत्सव गोवर्धन पूजन ऋक्ष्मणी विवाह जेवा मंगल उत्सव तथा कथा श्रवण दरमियान उजवવામાં આવ્યા। आ कथानु रसपान शास्त्री ईश्वरचंद्र व्यासे पोतानी मधुर शैली में कराव्युं। हाल पूज्य सद्गुरु देव हरिराम बापा देह स्वरूपे हाजर न होय जेथी हरिपरिवार द्वारा गुरु पूर्णिमाना पावन दिवस निमित्ते पूज्य सद्गुरु हरिराम बापाना चरण पादुकानुं पूजन करी गुरुपूजननी परंपरा जाळवी राखी छे। गुरु पूजन कर्या बाद हनुमान चालीसा सुंदरकांड भजन कीर्तन तेमज भोजन प्रसादनुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं जेनो लाभो हजारोनी संख्यामां जसदण सहित दूर दूरना गामोमांथी आवेल हरिभक्तोए लीधो हतो। विपुल चावड़ा साथे राजबहाड़ा एनएस गुजरात न्यूज जसदण। માંગરોળમાં प्रभात फेरी धून मंडल द्वारा 44मो वार्षिक महोत्सव उजवायो। दानमां मळेली रकमनुं विविध गौशाळामां अनुदान करवामां आव्युं। जूनागढ़ जिला मांगरोड़ में मुरलीधरवाणी पटांगण में वार्षिक उत्सव उजवવામાં આવ્યો। છેલ્લા 44 વર્ષથી ગાયના ચારા અને કબૂતર માટે ચણ નિસ્વાર્થ ભાવથી સેવા આપી રહેલા ગ્રુપ એટલે પ્રભાત ફેરી ધૂન મંડળ કે જે આજે તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી સેવા કાર્યના 44 વર્ષ પૂરા કરી 45 વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કરી રહ્યું છે। પ્રભાત ફેરી ધૂન મંડળ દ્વારા શુભ દિવસને વાર્ષિક ઉત્સવ સ્વરૂપે મનાવવામાં આવે છે। આ અવસરે રાસ ગરબા ભજન દેશભક્તિ ગીતો સહિતની રમઝટ બોલાવવામાં આવે છે। અને આ કાર્યક્રમમાં વિવિધ હિન્દુ સંગઠનો મંડળો સહિત આગેવાનો અને ભક્તો આ વાર્ષિક ઉત્સવના કાર્યક્રમમાં ખાસ હાજર રહેતા હોય છે। પ્રભાત ફેરી ધૂન મંડળ કે જે વ્યાપારી નોકરિયાત કોઈને કોઈ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા યુવાનો સહિતના સભ્યોનું બનેલું એક મંડળ છે। આ મંડળ દ્વારા રાત્રિના સમયે સારા કે નરસા પ્રસંગોમાં ધૂન કરવા માટે જાય છે અને આ માટે જ્યાં પણ ધૂન રાખવામાં આવી હોય તેઓ કોઈ પાસેથી कोईपण जातनो चार्ज लेवामां आवतो नथी। ज्यां पण धून राखी होय त्यां भक्तों द्वारा जे पण भेट आपवामां आवे छे ते रकमनो उपयोग मात्र ने मात्र गायना चारा अने कबूतरनी चोण माटे ज करवामां आवे छे। क्यारेक कोई नरसा प्रसंगे धून राखवामां आवी होय तो ते परिवार गरीब होय तो आ मंडळ द्वारा त्यां जे पण रकम एकत्रित थई होय ते रकमने परिवारने त्यां ने त्यां ज आपी देवामां आवे छे। मनीष डाकी साथे NS गुजरात न्यूज जूनागढ़। मोरबी नगरपालिका तंत्र मोरबी शहरमां साफ सफाई राखवामां निष्फळ गयुं छे। आगामी 22 जुलाई सुधी में रोड पर उकरड़ा उपाड़ी लेवामां नहीं आवे तो तारीख 23 जुलाई ना रोज उपवास आंदोलन शुरू करवामां आवशे। मोरबी नगरपालिका तंत्र मोरबी शहर में साफ सफाई राखवामां निष्फळ गयुं छे। आगामी तारीख 22 जुलाई सुधी में रोड उपरना उकेड़ा उपाड़वामां नहीं आवे तो तारीख 23 जुलाईना रोज उपवास आंदोलन शरू करवामां आवशे तेवी पण लिखित रजूआत आम आदमी पार्टी मोरबीए नगरपालिकाने करी छे। आ बाबते वात करीए तो मोरबी शहर में एकांतरा भूगर्भ गटर उभरावानी फरियाद उठे छे। मोरबीना जाहेर रोड पर कचराना गंज खड़काया छे ते समस्या उकेलवा महानगरपालिका निष्फळ गयुं छे। मोरबी शहर आम आदमी पार्टी मारू मोरबी उकरड़ा मुक्त मोरबी अभियान 1.5 मासथी शरू कर्युं छे। तेम छतां तंत्र आ समस्या उकेलवामां निष्फळ गई होय हवे गांधी चिंध्या मार्गे उपवास आंदोलन शरू करवा माटे मोरबी आम आदमी पार्टीना परेशभाई पारिया, भरतभाई बारोट, रहीशभाई मधवाणी, जीवणभाई झिलरिया, जय पटेल, राजदीपसिंह जाडेजा, नरसिंहभाई सावरिया सहितना कार्यकरोए नगरपालिकाए अल्टिमेटम आपीने अरजी आपी जाण करी छे। आम आदमी पार्टीना आंदोलनने जुदी जुदी 19 जेटली संस्थाओए टेको जाहेर करी मोरबीनी स्वच्छता अभियान में तेमनी साथे छे तेवुं जाहेर कर्युं छे। आम आदमी पार्टी छेल्ला 1.5 मासथी उकेड़ा नाबूदी अभियान चलाई रही है कि मारू मोरबी उकेड़ा मुक्त मोरबी, जे अनुसंधान अमे नगरपालिकानी अवारनवार मीटिंगों करी। छेल्ला गई 3 तारीखे नगरपालिकाने अमे उपवास आंदोलननी चीमकी आपेली त्यारे नगरपालिका द्वारा अमने लेखित जाण करवामां आवी के उकेड़ा छे अमारा स्टेन्ड छे ज्यांथी अमे कचरो उपाड़ीए छीए तो ये अमे राबेता मुजब थोड़ा समय में नाबूद करी देशू पण तमे उपवास आंदोलन न करो। ए समय अमे ए लोकोने लेखित आपेलू कि भाई अमे उपवास आंदोलन तमारी पहली विनंती ने मान आपी अमे 15 दिवस मौकूफ राखी जी पण एनी सामे तमारे 15 दिवसनी अंदर तमे जे लोकोए उकेडाना स्टेन्ड बनाव्या छे कचरा उपाड़वा माटे ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अन्वये ए प्रकारना स्टेन्ड करो। जो तमारी पासे वाहनोनी जोगवाई न होय तो ए प्रकारना स्टेन्ड करो। अने बीजी अमारी मांगणी हती कि डोर टू डोरनी अंदर कलेक्शन सेंटरनी अंदर ढकेल पंचा 150 चाले छे। जे पण वाहनों जाय छे शेरीने नाके सीटी मारीने 2 मिनिटमां भागी जाय छे। कोईपण बहेराओ 2 मिनिटमां तैयार थईने घरनी बारे न आवी शके एटले अमारो ए पण मुख्य मुद्दो हतो। आजे नगरपालिकाने छेल्ली 8 दिवसनी मुदत आपी छे। जो 22 तारीख सुधीमां जो कोईपण कार्यवाही आ उकेड़ा नाबूदी विषे नहीं करवामां आवे तो 23 तारीखथी उपवास आंदोलन आम आदमी पार्टीना शरू थशे। ते सिवाय अमे कालथी ज नगरपालिकाना जे पण चेरमेनो छे जे ते विभागना एनो अमे घेराव एना घरे मुलाकात लेवाना अमे कालथी शरू करीए छीए। छेल्ले 2016 केशोद गामनी सुकान संभाळी हती। मोदी साहेबना सपनाने साकार करवा माटे स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत केशोद गामने ई दिशा तरफ पगलुं भरावा माटे स्वच्छता विषयना एवोर्ड मोदी साहेबना वरद हस्ते 16/7/2018 रोज दिल्ली मुकामे विज्ञान भवन में केशोद गामने एवोर्ड अपाव्यो। त्यारबाद गामनी तमाम प्राथमिक सुविधाओं आरोग्यनी चिंता करीए तो एम्ब्युलन्स फ्री में सेवा आपीए छीए। त्यारबाद केशोद मुकामे नवी प्राथमिक शाळाना बांधकाम, पीएचसी सेंटरना बांधकामों, तमाम रोड रस्ताओ सीसी पेवर ब्लॉक थी सुसज्ज छे। तेमज खेडूतलक्षी तमाम योजनाओनी तमाम माहिती तेमज तमाम ऑनलाइन सुविधाओं ग्राम पंचायत उपलब्ध छे। जरूरियात जग्याओ पर सीसीटीवी केमेरा छे। तमाम गामने खूणे खूणे स्ट्रीट लाइटनी सुविधा उपलब्ध करी छे। त्यारबाद पशुओनी चिंता करवा माटे गौशाला में एक आधुनिक गौशाला कही तो म्यूजिक अने पंखा साथे सुसज्ज छे। त्यारबाद गाम में 100% शौचालय है। अमरा केशोद गाम में शौचालय 100% शौचालय थे। अमरा गाम में वृक्षारोपण सारू थी। अमरा गाम में पेवर रोड सीसी रोड ने ब्लॉक थी रोड थी सुशोभित है। अमरा गाम में एम्ब्युलन्स खानगी एटले के सरपंचे पोतानी फ्री सेवा माटे एक एम्ब्युलन्स अर्पण करी छे गामने, जेथी आरोग्य अंगे पण कोई चिंता न रहे। पछी एनाथी वधारे कहूँ तो अमरा गामना गौशाला एक जोवालायक गौशाला है। गौशालानी अंदर पंखा फरे छे अने म्यूजिक पण 24 कलाक चालू होय अने गायोने म्यूजिक सांभळवा मळे अने शुद्ध हवा मळे, घासचारो पाणी पाणीनी व्यवस्था पण अमरा गाममां संपूर्ण रीते 100% है। एम कहीए तो खोटुं नथी। एनाथी कोई एवुं नथी कि जे अमरा गाममां घटतुं होय। गामना प्रवेश द्वार पण सुशोभित अने आकर्षक है। सीसीटीवी कैमरा पण अमरा गाममां लगाववामां आव्या छे। एलईडी लेम्प छे, रात्रे अंधारुं न थाय एना माटे लेम्प पण मूक्या छे। तमाम रीते अमरा सरपंच सक्रिय है, एक्टिव है। श्रीकांत पटेल साथ NS गुजरात न्यूज मोरबी। अमरेली जिल्लाना लेलिया तालुकाना नाना एवा ढांगला गामे व्यास पौर्णिमानी भव्य उजवणी कराई। गदगदित करती गुरु पूर्णिमा भजन भोजन ने सदस्य रात्रनु पठन करता मस्तराम बापूनु मार्मिक टकोर करतु व्याख्यान। नकलंग आश्रम खाते सेवक समुदाय द्वारा सुंदर आयोजन। गुरु पूर्णिमा महोत्सवना पावन पर्वे संत श्री मस्तराम बापूनु मननीय प्रवचन। कु कहता अंधकार, रू कहता प्रकाश, अंधकार थी प्रकाश तरफ दूरी जता गुरुवर्चन ने गरिमानी गाथा वर्णता संत मस्तराम बापूना सानिध्यमां भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सवनी उजवणी कराई हती। नटवरलाल भाटिया साथे NS गुजरात न्यूज अमरेली। आज में आधुनिक युग में दिन प्रतिदिन शिक्षण खूब ज मोंघू बन्यु छे, त्यारे गरीब तेमज मध्यम वर्गना लोकोए अनेक प्रकारनी मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़े छे। परंतु द्वारकाना लांबा गामना एक शिक्षक राज MS गोस्वामीए ऑनलाइन विविध प्रकारनी पद्धतिथी विद्यार्थियों ने शिक्षण आपी। गुजरात ना शिक्षकों तेमज बाळकोना वालीओ ने एक आगवी प्रेरणा आपी छे। आ व्यक्ति है द्वारिकाना लांबा गामना एक शिक्षक। आ कोई स्कूल के ट्यूशन क्लासेस शिक्षक नहीं, परंतु आखा तमाम गुजरातना विद्यार्थीओना शिक्षक है, कारण के आ शिक्षक आखा गुजरातना बाळकोने घरे बैठा भणावे छे। समग्र गुजरात में सीविल एंजीनियर तरीके फर्स्ट आवेला राज गोस्वामी द्वारा आज समग्र गुजरातना शिक्षण जगत में एक प्रेरणारूप बन्या छे। हालना समय में शिक्षण खूब ज मोंघू थयुं छे, त्यारे आ शिक्षके मध्यम अने गरीब विद्यार्थीओने मददरूप थाय तेवी रीते ऑनलाइन अने इंटरनेटना विविध माध्यमोथी शिक्षण आपवानुं शरू कर्युं छे। हाल शहरों में अमुक विषयों दीठ ₹1000 फी उघराववामां आवे छे, त्यारे आ शिक्षक फक्त 1000 में गणित आंकड़ाशास्त्र जेवा अनेक विषयोनुं शिक्षण आपे छे अने तेमां विद्यार्थी वारंवार अभ्यासनुं पुनरावर्तन पण करी शके छे। आ शिक्षण द्वारा ई ट्यूशन गुजराती नामनी यूट्यूब चैनल अने एंड्रॉइड एप्लिकेशन द्वारा पण विद्यार्थीओने अनेक विषयोनुं शिक्षण आपवामां आवे छे। विद्यार्थीओना सर्वांगी विकास तेमज करियरनुं समग्र नॉलेज विद्यार्थीओमां विकसे ते हेतुथी आ शिक्षक अनेक प्रकारे विद्यार्थीओने शिक्षण आपी समग्र गुजरातने एक आगवी प्रण पूरी पाडे छे। मारुं नाम राज MS गोस्वामी छे अने देवभूमि द्वारकानुं लांबा गाममां रहूं छुं ने 16 वर्षथी शिक्षण साथे संकळायेलो छुं। बाळकोने शिक्षण आपवुं, जे नता भणता एने घरे घरे जई अने कई रीते प्रेरित करवा एवुं बधुं काम करेलुं 16 वर्षथी करतो हतो। शिक्षण साथे मने पर्सनली एटेचमेंट है। एज्युकेशनली तो हूँ एक एंजीनियर छूँ, छतां पण मने गमतुं तो एटले मैं आ कार्य शरू कर्युं छे। पछी धीमे 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 16 वर्षथी जे स्टार्टिंग कर्युं एटले डिजिटल माध्यम अने इंटरनेटनो युग आवतो गयो। एनी साथे साथे मने थयुं के केम ना एज्युकेशनने पण इंटरनेट साथे आपणे कनेक्ट करी दઈએ। तो ए अरसामां यूट्यूब पर थोड़ुं घणुं आम सर्चिंग करता था। ए दरमियान मैंने ख्याल आव्यो केम ना एक एज्युकेशननी चेनल बनाववामां आवे, केम के अंग्रेजीनी अंदर ने हिंदीनी अंदर तो मुबलक चेनलो मळे पण गुजराती वर्नाक्युलर लैंग्वेजनी अंदर चेनल नथी मळती। तो पछी यूट्यूब जर्नी शरू करी मैं आजथी 2 वर्ष पहेला। यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स आप्या, धोरण 10ना आप्या, 11मां ना आप्या, 12मां ना आप्या। प्रतिसाद मळ्या, बहु जबरदस्त प्रतिसाद मळ्यो। थैंक यू वेरी मच मारा ऑल व्यूअर्स माटे के जेओए मने 1,45,000 ने क्रॉस करावी दीधा मारा सब्सक्राइबरोने मारी चेनल पर। ना पछी वालीओना पर्सनली ईमेल मळ्या के साहेब तमे फूल कोर्स आपो, केम के यूट्यूब एवुं छे दोस्तों के हूँ मारी नवरात्रीमां ट्यूटोरियल्स नाखतो डेली सर्विस आपणे नथी करी शकता एने। तो पछी ऑनलाइन शरू कर्यो अने 1000 रुपयामां मैं कोर्स आपवा नक्की कर्युं, केम के फी नहीं पोसाती कोई ने। पांच पांच दस दस पांच हजार से दस हजार से पंदर वीस वीस हज़ार सुधीनी फी होय छे ज्यां एक एक विषयना चार चार हज़ार पांच हज़ार फी लीए छे त्यां हूँ फक्त 1000 રૂપિયામાં કોર્સ આપું અને પણ એવો કોર્સ કે ગેરંટીથી પાસ અને 70 થી વધારે % આવે એમાં ધોરણ 10 ગણિત 12મા ધોરણનું નામું અને આંકડાશાસ્ત્ર એ ત્રણ વિષયથી મેં શરૂઆત કરેલી છે હવે અંગ્રેજી ગ્રામર પણ કરવાનો છું શરૂ જેથી જે કોઈ પણ મિત્રો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે આરામથી 1000 રૂપિયામાં ઘણું બધું શીખી શકે અને પોતાના ભવિષ્યના સપનાઓ સાકાર કરી શકે તો દોસ્તો तमाम व्यूवर्स ने हूँ एक रिक्वेस्ट करवा मांगू छूँ कि जे कहीं इंटरनेट में तमे मोबाइल में चेटिंग करता होय छे मित्रों घणु बधु जोता होय छे एनी जग्याए थोड़ुं घणुं एज्युकेशननो पण जो जो तो पण तमने घणो बधो फायदो मळे छे केम ने इंटरनेटनो यूज आपणे एज्युकेशनमां पण करी लईए एम तो दोस्तों आ माध्यमथी हूँ तमने गुजरातनी तमाम जनतानो आभार व्यक्त करवा मांगू छूँ जेमणे मने आ प्लेटफॉर्म सुधी पहोंचाड्यो अने साथे ए पण कहेवा मांगू छूँ के मारी साथे जोड़ बदल खूब खूब आभार एम विजय जोटवा साथ NS गुजरात न्यूज गीर सोमनाथ कातीज दबोदन फड़ी खाते रहती महिलाओं द्वारा मेघराजाने मनावा माटे ढूंढिया बावाजीनी मूर्ति बनावी घरे घरे फड़ीने काशी विश्वनाथ महादेव दादाने पाणी में डुबाड्या ચોમાસાના આગમનને एक મહિનો વીતી ગયો અને શરૂઆતમાં વાયુ વાવાઝોડાને લઈને માત્ર પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં 9 इंच मौसमनो वरसाद खाबक्यो अने अचानक मेघराजा जाणे बेसामड़ा लीधा होय तेम तालुका जिल्ला सहित गुजरातभरमांथी गायब थई जता हाल तो वगर वरसादे जगतना तात सहित सौ कोई चिंतित जोवा मळी रह्युं छे त्यारे प्रांतिज दबोदन फड़ी खाते रहता महिलाओं द्वारा मेघराजाने मनावा ढूंढिया बावाजीनी मूर्ति बनावी तपोदन फड़ीमां घरे घरे जई ढूंढिया बावाजीने पण पाणीथी नवडाववामां आव्या त्यारबाद तपोदन फड़ी खाते आवेला काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर खाते महिलाओए डेगरी डेगरी पाणी भरीने काशी विश्वनाथ महादेव दादाने पाणीमां डूबाड्या हता अने भगवान भोळा शिव पासे सारा वरसादनी मांगणी करी हती तो मंदिर पासे वरसाद मांगवा माटे रामधून पण बोलावी हती अने महिलाओने भगवान शिव पासे वरसाद आपवा माटे आजीजी करी हती रावल साथ NS गुजरात न्यूज प्रांतिज केशोद में आधार कार्ड ना नवा कढावा सुधारा વધારા કરાવવા માટે અરજદારો પરેશાન અરજદારો માટે પીવાના પાણીની પણ સુવિધાનો પણ અભાવ કેશોદ શહેરમાં શહેરી વિસ્તાર તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના અરજદારો નવા આધાર કાર્ડ તથા આધાર કાર્ડમાં સુધારા વધારા માટે અરજી કરવા આવે છે ત્યારે કેશોદની જૂની મામલતદાર SBI તથા પોસ્ટ ઓફિસમાં અરજદારોની લાંબી કતારો જોવા મળે છે आखा दिवस दरमियान एक कीट में 45 થી 55 अरजदारों की अरजी स्वीकारवामां आवे छे जेथी अन्य अरजदारोए फरीथी बीजा दिवसे लांबी कतार में ऊभुं रहेवुं पड़े छे जेथी अरजदारों परेशानी भोगवी रह्या छे आधार कार्ड अरजी माटे वहेली सवारथी लाइन में ऊभा रहे छे बपोरे ज्यारे अरजदारोनो क्रम आवे छे त्यारे ऑफिसमांथी जणावाय छे के आजनी 30 अरजी पूर्ण थई गई छे बपोर पछी अथवा आवतीकाले आवजो तेवो जवाब सामने अरजदार परत जता रहे छे फरीथी बीजा दिवसे लांबी कतार में ऊभा रहे छे त्यारे पण फरीथी ए जवाब अने आजे वारो नहीं आवे तेवी रीते अरजदारों धक्का खाई रह्या छे अरजदारों माटे पीवाना पाणीनी पण सुविधा न होवाथी अरजदारों तंत्र सामे रोष व्यक्त करी रह्या छे हेतलबेन अमितभाई कालरिया केशोदथी बोलूं छूं जूनी मामलतदार ऑफिसे आधार कार्ड कढवा जाइए छीए तो वारो आवतो नथी अमारो 4 दिवसीय धक्का खाईए छीए अमारा छोकराने स्कूले तेडवा जवा मेलवा जवा अमारे करवुं शुं आईना लाइन में रहू के अमारे न्या घरे जावू के रांधवू के शू करवू अमारे कीट वधारवानी जरूर छे पाणी पीवा माटे पब्लिक ने काई छे नहीं सवारना 7 वागाना ऊभा होय छे छतां पण कोई होकारो देतुं नथी अमारे आईना रहू के अमारे घरे रे धंधा पाणी के छोकराओने हाचववा आ बाबते अमारी मांगणी छे के अमारे अहींया कीट वधारे अने अमारे अहींया बधी जवाबदारी बधी पूरी करे अमे सवारना 7 वागाना आव्या छीए हजी अमारे घरे अमे पहोंच्या नथी वारो आव्यो नथी अने 3 दिवसथी धक्का खाईए छीए मारू नाम प्रवीण पटेल छे केशोद खाते सामाजिक कार्यकर तरीके कामगीरी छे आ जूनी मामलतदारे घणा लोकोना फोन आवे छे अने जूनी मामलतदारे एक मोटा मोटो प्रश्न छे के त्यां एक कीट चाले छे हवे रोजना 100-125 लोको अहींया પોતાના આધાર કાર્ડ ચૂંટણી કાર્ડ અને જે કાંઈ ફેરફાર હોય તે માટે આવે છે પરંતુ 30-31 જેટલાનું થાય છે ને 60 થી 70 લોકોને પાછા ગામડે જતા રહેવું પડે છે। આવી સમસ્યા અનેક વખત છે। આની અગાઉ મામલતદારને મેં રૂબરૂ જઈને વાતચીત કરી હતી કે સાહેબ અહીંયા 3 કીટની જરૂરિયાત છે। જે અહીંયા કીટ હતી એ પણ જૂનાગઢ મોકલી દીધી અને ત્યારે એવું જાણવા મળ્યું કે એ કીટ પાછી આવશે, હજી સુધી આવી નથી। આજે તપાસ કરી તો एसबीआई बैंक में अने पोस्ट ऑफिस में आ किटनी व्यवस्था है छतां पण चालू नहीं। आज एसबीआई में एक चालू करी है अने पोस्ट ऑफिसे गया तो त्यां एवो जवाब आपवामां आव्यो छे के ई तो सर्वर बंद है अने 15-20 दिवस पछी चालू थाय तो थाय। ए बाबते कम्प्लेननुं कीधुं तो कीधुं के तमे तमारे कम्प्लेन करवी होय त्यां उपर सुधी करी शको। एटले अहींया लोकोने बहु अगवडता पड़े छे। गामडाना वडील अने बयरा अने बाळको साथे अहींया आवे छे। तेओना घरना रांधवाना अने स्कूले मूकवाना पण प्रॉब्लमो थाय छे अने अहींया चूंटणी कार्डमां आधार कार्डमां जन्म तारीख बाबते घणा सुधारा करवा पड़े छे। तो तेने अवेजीमां बीजा डॉक्यूमेंट पण चाली सके छतां पण सरकार एवा नियमो छे के लोको हेरानगति वधु पड़ती थाय छे। अने अहींया कोई पाणीनी पण सुविधा होती नथी। सवारथी 7 वाग्याथी लाइन लागे छे अने बपोर सांज सुधी रहे छे अने 30 जणानो वारो आवे छे। आ प्रॉब्लम कायमीनो छे। आ बाबते मामलतदार अने कलेक्टरश्रीने अमे उपर रजूआत करीने केशोदमां 3 किट चालू थाय तो लोको हेरानगति न पामे ए बाबते अमारी अरजी करवाना छीए अने आ बाबते सरकारश्री अने तेना प्रतिनिधिओ ध्यान आपे। विजानंदभाई नोंगाभाई चावड़ा अहींया केशोदमां ज रहूं छूं बराबर। अने मैं आ जे आधार कार्ड छे मारा धर्मपत्नी जे गवर्नमेंटनी अंदर नोकरी करे छे तो एने अत्यारे जे ते डॉक्यूमेंटनी जरूरियात छे एमां जन्म तारीख पूरी जन्म तारीख साथे डॉक्यूमेंटनी जरूरियात छे पण आनी अंदर खाली वर्ष ज लखेलुं छे। खाली आंकड़ा जन्म तारीखना सुधारा करवा माटे तेने आपणे अहींया आव्या छे। हूँ 4 दिवसथी अहींया धक्का खाऊं छूं बराबर। एटले टूंकमां अहींया एक सेंटर वधारवानी जरूरियात छे। 1 के 2 जे ते सेंटर वधे एवी आपणे मांगणी करीए छीए। तो आज हरेक माणसो जे छे एमां बयरो होय छे, ए लोकोने घरना काम होय छे, नाना नाना बाळकोने स्कूलमां मूकवा जवा होय। आ बधी जे टूंकमां एने जे सगवडताओ पूरी पाड़वा माटे थईने आपणे अत्यारे जे अधिकारीश्रीओने भला विनंती करवी छे के तमे अहींया 2-3 जे अनुकूलता प्रमाणे सेंटर फाळो ए आशा राखीए छे। जय भारत, जय हिंद। गोविंद हड़िया साथे एनएस गुजरात न्यूज केशोद। गुरुपूर्णिमा निमित्ते आदिद्रा ब्रह्मचारी जी बापूनी तपोवन भूमि में गुरुपूर्णिमानी उजवणी करवामां आवी। जेमां देश विदेश थी शिक्षको भक्तजनोने सेवकगण तेमज मोटी संख्यामां लोको हाजर रह्या हता। गुरुपूर्णिमानी उजवणी समग्र सौराष्ट्रमां थई रही छे त्यारे मेंदरडाथी 4 किलोमीटर दूर मधुवंती नदी किनारे आवेला वृंदावन आश्रम आलिद्रा जे परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रीय ब्रह्मचारीजी बापूनो आश्रम आवेल छे। त्या दक्षिण प्रदेशमांथी आलिद्रामां आवेली ब्रह्मचारीजी बापूए वर्ष સુધી તપ કરીને आलिद्रा तपोवन भूमि बनावी हती અને જેમણે લોકોના કલ્યાણ અર્થે સૌરાષ્ટ્રભરમાં ખુલ્લા પગે ચાલીને हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण જેવા મહામંત્રનો પ્રચાર કરી ધૂનની શરૂઆત કરાવી હતી। આશ્રમમાં ગિરિરાજજી નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર રામ લક્ષ્मण सीता हनुमान मंदिर तथा ब्रह्मचारीजी बापूની ઈચ્છા મૃત્યુ મેળવીને તેમની સમાધિ પણ આશ્રમમાં આવેલ છે। आश्रम में कार्तिकी पूनम आषाढ़ी पूनम महाशुद्ध आठम ब्रह्मचारीजी बापूના દિનની ઉજવણી કરાઈ છે। તેમજ महावतरीजना प्रागट्यना दिवसे गुरुवंदना गिरिराजजी प्रसारी तथा सकीर्तन सहितना कार्यक्रमों पण योजाय छे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परिब्रह्म परस्मै श्री गुरुवे नमः। समग्र भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमानो दिवस धामधूमथी उजवाय छे। एवी ज रीते सौराष्ट्र में गरवा गीरनानी गोद में आलिद्रा गामे वृंदावन आश्रम मुकामे परम पूज्य ब्रह्मचारी बापूनो आ गुरु परिवार शिष्य परिवार गुरुदेवनी वंदना करवा माटे दर वर्षनी जेम गुरु पूर्णिमाए मळे छे। खूब सुंदर व्यवस्था होय छे। आईना ट्रस्टीना प्रमुख जे छे हरदेव शिवाय रायजादा एनी पर सुंदर देखरेख नीचे आ व्यवस्था चाले छे। अने आप जाणो छो के गुरु ए तो परमात्मानुं रूप छे अने गुरु चरणोमां निष्ठा जेटली आपणी होय एटलुं आपणे खूब खूब परमात्मा नजीक जाई ए साथे गुरु पूर्णिमा उजवाय छे। अने गुरुना वचनों पर विश्वास राखी अने श्रद्धा राखी अने आपणा ईष्टदेव ने आपणे स्मरण करीए तो जरूर आपनी मदद करे। धन्यवाद, आभार। आजनो शुभ दिवस જે આ શુભ દિવસને હિન્દુ શાસ્ત્રની અંદર ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવામાં આવ્યો છે અને આજે સમગ્ર ભારતની અંદર આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે જેને પવિત્ર દિવસ માનવામાં આવે છે અને ગુરુનો મહિમા એ સમગ્ર ભારતની અંદર અને હિન્દુ સમાજની અંદર જેનું બહુ મોટું મૂલ્ય છે એવો આજે આ પવિત્ર પર્વ અને પવિત્ર દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર ભારતના હિન્દુઓને અને હિન્દુ સમાજને આ ગુરુ પૂર્ણિમાની શુભકામના અને વંદના पाठवू छू। जय गुरुदेव। गोविंद हड़िया साथे NS गुजरात न्यूज केशोद। वाव तालुकाना राजवेणा आछवा माइनोर केनालमां पाणी छोड़वा बाबते थराद नायब कलेक्टरने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं। वाव तालुकाना राजवेणा आछवा माइनोर केनाल पाणी छोड़वा बाबते 100 थी वधु खेडूतो थराद नायब कलेक्टरने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं। જેમાં માંગ કરી હતી કે નર્મદા કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવે અને પાણી જો નહીં છોડવામાં આવે તો ખેડૂતોને હિજરત કરવાનો વારો આવશે। એક બાજુ વરસાદ ખેંચતા જગતનો તાજ ચિંતામાં મુકાયો છે, જ્યારે બીજી બાજુ નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ કેનાલમાં પૂરતું પાણી છોડતા નથી તેમજ ખેડૂતોની રજૂઆત કરવા થરાદ નર્મદા ઓફિસે જાય તો પૂરતો જવાબ પણ આપતા નથી। જેથી હવે ખેડૂતો કંટાળીને ભૂખ હડતાલ પર ઉતરવાનો વારો આવશે। ખેડૂતોએ એમના કાળજા જેવી જમીનો હસતા મોઢે આપી દીધી, પણ હવે પાણી ન મળતા ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે। સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અષાઢી બીજના દિવસે કેનાલોમાં પાણી છોડવામાં આવશે તો ખેડૂતોએ મોંઘા બિયારણો લાવીને ખેતરોમાં નાખી દીધા, પણ આજ સુધી પાણી ન મળતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે। થરાદના સૌપુરા ગામના ખેડૂતો નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું અને માંગ કરવામાં આવી કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેનાલ બનાવવામાં આવે, જેમાં 2 વર્ષથી કેનાલમાં પાણી આવ્યું નથી। જેથી હવે ખેડૂતો આવેદનપત્ર આપીને કંટાળી ગયા છે અને સવાપુર ગામના ખેડૂતો કચેરીઓમાં ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે। આજે આછવા ગામના ખેડૂતો માનનીય પ્રાંત સાહેબશ્રીની ઓફિસે આવી અને પાણી ન મળતું હોવાનું આવેદનપત્ર આપેલ છે અને અમને સત્વરે પાણી મળે એવી કે પ્રાંત સાહેબશ્રીએ આદેશ આપ્યો છે, પણ નર્મદા નિગમના અધિકારીઓ હજુ સુધી કોઈ જવાબદારી સ્વીકારતા નથી। એમની બેદરકારીથી ખેડૂતો સુધી પાણી મળતું નથી। સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ અષાઢી બીજથી પાણી મળે એવી જોગવાઈ સરકારે કરી હતી। અમે ખેડૂતોએ મોંઘા ભાવની 6-6 હજાર રૂપિયાની બોરી ધાર લાવીને વાવેતર કરેલ છે। આખી રાત ખેડૂતોને કેનાલ ઉપર બેસી રહે છે, કાગડોળાની વાટ જોવે છે, છતાં પાણી મૂકતા નથી અધિકારીઓ અને નર્મદા નિગમમાં જઈએ તો એ કોઈ જવાબદારી કોઈ ધ્યાન આપતા નથી। તો અમારી ખેડૂતોની નમ્ર અપીલ છે કે સત્વરે અમારા ગામડાઓને પાણી મળી રહે, ખેડૂતો આર્થિક રીતે નકા પાયમાલ થાય એમ છે। પાણી મળે એના માટે સરકાર જો સત્વરે 2 દાણા પાણીની જોગવાઈ નીકળે તો અમે તમામ લોકો ભૂખ હડતાલ ઉપર નર્મદા નિગમમાં બેસી અને ખેડૂતોને ન છૂટકે હિજરત કરવાની પરિસ્થિતિ આવે છે તો સત્વરે પાણી છોડે એવી અમારી તમામને ખેડૂતોની માંગ છે। યશપાલસિંહ વાઘેલા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ થરાદ। તો હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ, વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।